Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. विक्की के जाने के बाद मैं मतलब सफाइयाँ स्टार्ट करती हूँ, तो आज मॉपिंग का डे था पोछा मारने का। तो सबसे पहले जब भी मैं पोछा मारना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले भगवान का जो स्थान हमने बनाया वहाँ पे पहले वेट पोछा लगा देती हूँ थोड़ा गीला, और फिर उसके बाद ड्राई पोछा मार देती हूँ वहाँ पे, फिर उसके बाद पूरे घर में पोछा मारना स्टार्ट करती हूँ। और मैं पोछा लगाना तो स्टार्ट कर दिया था और एसी चलाया ही नहीं था, तो बस अभी मैंने एसी चला दिया है ताकि ड्राई भी जल्दी हो जाए। और ये प्रेइंग मैट है जो मैंने अभी फिक्स की है वहाँ पे, मतलब जमाई है। और फिर पूरे घर का पोछा लगाना अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पोछा लगाती हूँ एक दिन झाड़ू, तो इस वजह से सामान हटा हटा के ही लगाती हूँ ताकि कहीं भी धूल ना रह जाए। ये मेरा तरीका है काम करने का। और फिर हॉल में पोछा लगाने के बाद मैं किचन में पोछा लगाती हूँ, उसके बाद फिर बेडरूम में लगाती हूँ, और फिर जो हॉल वाला जो कॉरिडोर है, लॉबी आप बोल सकते हैं, वो एरिया में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पे मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं अभी आज सबसे पहले तो आप सभी को डेट बताने के पहले विश कर दूँ हैप्पी जुम्मा। यूएई में रह के ना एक आदत तो पड़ गई है कि जब 5 टाइम नमाज की लाइक अजान की आवाज़ आती है तो हम भी अपने भगवान का नाम ले लेते हैं। पहले जितना भगवान को याद करते थे, अब इन्वायरमेंट हमको याद दिलाता है कि टाइम हो गया है फिर से याद कर लो। तो ये इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूएई की। और आज दिन है 17 जून, आज दिन है फ्राइडे का और डेट है 17 जून की। पता नहीं मैं ये कब फिर से सही बोलना स्टार्ट करूँगी। मेरे कल के वीडियो पे नूतन सक्सेना जी का कमेंट आया था कि अंशुल तुम्हारा जो चैनल है इजीली फाइंड आउट नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग जब भी मेरा चैनल अगर यूट्यूब पे सर्च करते ना तो हैशटैग व्लॉग एब्रॉड एक साथ लिखा कीजिए और सर्च किया कीजिए, तो बहुत ईजिली आप लोगों को मिल भी जाएगा। और यहाँ पर मैं मैंशन भी कर दूँगी कैसे आप लोगों को सर्च करना है, तो आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगा। और हाँ, आज विक्की तो चली गई है ऑफिस ऑब्वियसली, क्योंकि ये 12:15 का टाइम हो रहा है, आप लोगों को अजान से ही समझ में आ जा रहा होगा, तो वो तो चली गई ऑफिस। और उनके जाने के बाद मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया है और घर की सफाइयाँ भी मैंने कर ली है। और आज मैं अपनी फेवरेट डिश जो विक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो बनाने जा रही हूँ, जो कि है दाल ढोकली। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर यहाँ तक आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दाल ढोकली बना लेते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को रोड इसलिए दिखा रही हूँ कि देखिए ट्रैफिक कितना कम हो गया है, और इसका रीज़न है नमाज का टाइम, तो लोग पहले ही उस टाइम तक मस्जिद में पहुँच जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और इवन लोग रोड पर वो जो मैट होता है ना प्रेयर मैट वो लेकर जाते। चलिए किचन में चलते हैं। और दाल, ये देखिए दाल मैंने भिगा कर रखी है, इसमें मैंने ली मसूर, मूंग और तुअर की दाल, ये मैंने धो ली है और इसको भिगा कर रख लिया है। और अब इसको मैं प्रेशर कुक करने के लिए कुकर में डाल रही हूँ, और उबालते वक्त मैं डाल रही हूँ तेज पत्ता, काली इलायची, स्टार एनिस, दालचीनी, हरी इलायची और लौंग। ये जब आप दाल में उबालते वक्त ही डाल देते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो बस इसको उबालते वक्त ही डाल देंगे। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसकी 2-3 सीटियाँ ले लेंगे। और दाल उबालते वक्त उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि मतलब दाल ढोकली की जो दाल होती है ना वो थोड़ी पतली ही होती है, तो बस इसीलिए। और मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, प्रेयर टाइम ख़त्म हो गया ना, तो देखिए लोग कैसे वापस जा रहे हैं, तो ना बहुत रश होता है जब भी प्रेयर शुरू होने वाली होती है और ख़त्म होती है ना, तो लोगों का बहुत रश होता है। कुकर की हालत देखकर ही आप लोग समझ गए होंगे कि दाल उबल गई है और पूरे गैस को भी दाल ने अच्छे से छपा दिया है, मतलब ये कन्फर्म होता है कि दाल उबल गई है। तो
तो अभी हम क्या करेंगे, दाल का कुकर खोलेंगे और देखेंगे इसमें कितना पानी बाकी है। दाल पूरी गाढ़ी हो गई है तो इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको और उबालेंगे और मैं आप लोगों को करीब से भी दिखाती हूँ। दाल उबल तो गई है लेकिन हमें ना बिल्कुल दाल की कंसिस्टेंसी एकदम कढ़ी वाली चाहिए, तो इसमें पानी डाल के दाल को खुले में अब उबालते रहेंगे और ढोकली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ढोकली का आटा गूंदने के लिए मैंने लिया है धनिया आटा, गेहूं का आटा, धनिया का पाउडर, नमक, अजवाइन, हल्दी, मिर्ची और तेल। अब इसको अच्छे से गूंथ लेंगे इसका आटा, बिल्कुल जैसे अपन रोटी का आटा गूंथते हैं ना वैसे, और फिर इसकी ढोकली बना के उबलती हुई दाल में डालेंगे। पहले जो भी अपने सादे मसाले सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे आटे में, और जब मैंने मिक्स किया तब मुझे याद आया रिंग तो उतारी ही नहीं। आटा गूंदने के पहले मैं रिंग ज़रूर उतार देती हूँ और फिर एक मतलब रोटी के लिए जैसा अपन आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा इसका गूंद कर रेडी कर लेंगे। ये आटा हमारा रेडी हो गया है तो अब हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और उसके जैसे अपन बर्फी के स्क्वायर पीसेस या डायमंड पीसेस कट करते हैं ना वैसे कट कर लेंगे, तो आइए वो भी रेडी कर लेते हैं। रोटी हमारी बिल गई है तो अब इसको हम स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे। जैसे मतलब इसको रोटी जितना पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखिएगा वरना वो दाल में उबालते टाइम पूरा घुल जाएगा। देखिए मैंने इस साइज के ये पीसेस कट किए हैं, अब ये दाल अच्छे से उबल रही है, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ, तो इसमें अब ये पीसेस डाल देंगे। ये देखिए दाल बहुत अच्छे से उबल रही है, अब हम इसमें एक एक करके पीसेस डालते जाएंगे ताकि पीसेस भी आपस में चिपके नहीं। दाल और ढोकली मैंने इधर उबलने के लिए रख दी, दाल में मैंने नमक नहीं डाला था तो मैं नमक अभी डाल दूंगी और ढोकली में तो नमक ऑलरेडी हमारा डला हुआ है। अब इस दाल में बघार लगा लेंगे हम ताकि जब तक ढोकली उबलती है तो उसमें मतलब मसालों का टेस्ट भी आना चाहिए। तो आप चाहें तो तेल का बघार लगा सकते हैं, चाहे तो घी का लगा सकते हैं, पर खाना जब हम इसको खाएंगे तो घी तो हमें डालना ही है खाते वक्त, तो मैं तेल का बघार लगा रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो। तेल और बघार में क्या क्या डालना है वो भी बता देती हूँ। बघार में ऐसे बोलते हैं पंच फोरन डालना है, तो पांच फोरन में मैं क्या क्या चीजें लिए, सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, लाल मिर्च। काली मिर्च का टेस्ट तो आप सबको पता है कि बहुत अच्छा ही लगता है वो, और इमली बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ये बघार में नहीं डालेंगे, ये बाद में थोड़ी देर से दाल में डायरेक्ट डालेंगे। और हींग जरूर डालना है, दाल बघारते वक्त हींग डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेल हो गया है हमारा गरम तो इमली छोड़कर मैं सारी चीजें डाल दूंगी। हींग की
क्वांटिटी थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि इसमें हम लहसुन अदरक प्याज ये सब तो कुछ डाल नहीं रहे, तो टेस्ट के लिए हींग जरूर ज्यादा डालिएगा। बघार हमारा हो गया है, तो कुकर का ढक्कन हाथ में रखते हैं और बघार डालते हैं कुकर में। और सॉरी, इसमें हमें कुछ पाउडर मसाले भी डालने हैं, वही ब्लॉग बनाते बनाते भूल गई थी। तो पाउडर मसाले में हम डालेंगे धनिया का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली। बस अब इसको हम डाल देंगे इसमें और कुकर का ढक्कन लगा देंगे ताकि बघार की खुशबू उसमें ही रहे। कुकर कर दिया मैंने बंद। थोड़ा सा बघार कढ़ाई में छपा हुआ है तो वो भी मैं धोकर दाल में डाल दूंगी, पर थोड़ी देर से। ये कुकर का ढक्कन लगाए हुए थोड़ा 5-7 मिनट हो गया है, मतलब जो बघार का हमारा खुशबू है वो हमारी रेसिपी में आ गई होगी। तो अब ये जो कढ़ाई में थोड़ा सा बघार छपा हुआ था वो और इमली करके मैं पानी इसमें डाल रही हूँ और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट और पकने देंगे बिना प्रेशर के साथ। सिर्फ मैंने ढक्कन लगाया है, प्रेशर नहीं ले रही हूँ, तो उसको 15 से 20 मिनट स्लो आंच पर पकने देंगे, फिर मैं आप लोगों को इसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और ये मेरी बहुत मतलब मेरी फेवरेट डिश है, एक तो दाल ढोकली और एक है दाल बाटी, ये दोनों मेरी बहुत फेवरेट है। किसी दिन मैं दाल बाटी भी जरूर बनाऊंगी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा मोटा आटा लगता है ना, तो उसके लिए मुझे दूसरी इंडियन ग्रोसरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे स्पेशल मोटा आटा मिलता है, तो वहां से लेकर आऊंगी मैं वो और आप लोगों के साथ उसकी भी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए इसका पकने का वेट करते हैं, तब तक मैं शावर भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिछले ब्लॉग्स में शायद आप लोगों को बताया ही होगा कि मैं पूरा काम खत्म हो जाता है घर का उसके बाद ही शावर लेती हूँ, और नहाने मतलब कोशिश यही रहती है कि बिना खाए ना नहाऊं, तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं बिना नहाए खाना खाती हूँ। तो ये जब तक बन रहा है तब तक मैं नहा कर भी आ जाती हूँ। मैं नहा कर आ चुकी हूँ और चलिए देख लेते हैं कि दाल ढोकली के क्या हाल चाल है। और बिंदी लगाना है, बन तो बहुत अच्छी गई है, मैं आप लोगों को बैक कैम से दिखाती हूँ। देखिए बहुत अच्छे से उबल गई है, एक एक जो ढोकली है वो लगे आपस में चिपकी भी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम गैस बंद कर देंगे और थोड़ी देर इसको मतलब रेस्ट देंगे फिर खाएंगे। कुकर की तो हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई आज। जब तक दाल ढोकली को रेस्ट देते हैं अपन हॉल में बैठते हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी खाना बनाते हैं, कोई भी खाना हम बनाएं, उसको ना मतलब तुरंत एकदम गर्मा गर्म नहीं खा लेना चाहिए, थोड़ा 5-7 मिनट का उसको रेस्ट देना चाहिए, ताकि उसमें जो भी हमने तड़का लगाया है जो भी किया है उसका ना पूरा टेस्ट उसमें आ जाए, ऐसा मेरा सोचना है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है हमारी दाल ढोकली, इसमें ना बघार लगाने के बाद थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिएगा, जैसे आप लोगों को पता ही होगा गुजराती डिशेज थोड़ी खट्टी मीठी होती है, तो वो और एक एक ढोकली बिल्कुल अलग अलग बनी है, एक भी चिपकी हुई नहीं है आपस में, तो ये बहुत अच्छी बनी है। और ये वही कटोरदान है जिसमें मैंने ढोकली के लिए आटा गूंदा था, तो अगेन मैं उसको रीयूज़ कर रही हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन ना हो। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ दाल ढोकली खा लीजिए। बस फिर मेरा खाना हो गया था तो मैं किचन में आ गई थी और अब मैंने बर्तनों में साबुन लगा लिया था, तो बस अब उसको धोकर स्टैंड पर लगा रही हूँ। वैसे भी मतलब मैं ना खाना खाने के बाद 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ फिर ही बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ, और पर ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ मैं बर्तन धोने में, नहीं तो ना फिर आलस आने लग जाता है, इसीलिए मतलब हाथ के हाथ बर्तन धो लेती हूँ। पर मैं दिन में 2 बार ही बर्तन धोती हूँ, जैसे सुबह
विक्की जाते हैं तो नाश्ते वगैरह के जो बर्तन होते हैं ना वो मैं तुरंत नहीं धोती, इससे वाटर भी सेव होता है, एफर्ट्स भी सेव होती हैं इसी वजह से। तो मैं दो बार ही दिन में बर्तन धोती हूँ। हाँ, अगर कोई गेस्ट वगैरह आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ लिमिटेड सामान ही रखते हैं ना, तो अगर बर्तन कम पड़ रहे हैं तो मैं दोबारा भी धो लेती हूँ। बस फिर बर्तन धुल जाएंगे तो मैंने सिंक का एरिया पोंछ लिया, और दाल तो आज इतना उफना गई थी गैस कुकिंग रेंज पर कि मतलब दिन में भी मुझे गैस साफ़ करना पड़ा, नहीं तो मैं गैस शाम के टाइम ही साफ़ करती हूँ। इतनी छपती नहीं है कि दो बार साफ़ करने की ज़रूरत पड़े, पर आज तो बहुत ज़्यादा वो स्टील वूल से मुझे साफ़ करना पड़ा। एनीवेज होता है किसी किसी दिन ऐसा कुछ, तो नो प्रॉब्लम, बस फिर गैस भी साफ़ कर लूँगी और फिर दोपहर का काम तो कम से कम मेरा ख़त्म हो ही जाएगा। अभी ना यहाँ पे इतना ज़्यादा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो गले में बहुत खराश टाइप लगता है। और ये देखिए, दोपहर का काम मेरा फिनिश हो गया है, वही मैं दिखा रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बालों को बहुत ही चंपू कर दिया है, लाइक तेल लगा दिया है, और फिर चाय भी बना लिए। और मुझे याद आया कि मैंने आज व्लॉग का तो एंड किया ही नहीं। एक्चुअली मैं देख रही, गॉर्डन रैम्सी जो इंडिया आए थे ना, किचन नाइटमेयर, गॉर्डन रैम्सी कई लोग जानते होंगे आप उनको, तो उनके किचन नाइटमेयर वाले सारे सीरीज़ मैंने देखे हैं। तो वो अभी इंडिया वाली सीरीज़ उनकी चल रही है, तो मैं वही देख रही थी। तो हाँ, मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का व्लॉग का मैंने एंड नहीं किया था, तो सोचा चाय पे एंड किया जाए, और मेरा ड्रेस और मेरे चाय का कप बिल्कुल मैचिंग है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मासलामा।